हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दूरबीन से अगर आपकी नसबंदी हुई है तो उसके बाद आपको संबंध कब बनाना चाहिए, यानी कि फिजिकल कब होना चाहिए दूरबीन मेथड से अगर आपका नसबंदी ऑपरेशन हुआ है तो। तो बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ हम अपने चैनल पर डेली अपलोड करते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आपका दूरबीन से नसबंदी ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद आप जानना चाहते हैं कि कब सही रहता है संबंध बनाना। तो उसका आंसर है कि जब आपके टाँके सही हो जाएँ, क्योंकि जो आपका जो दूरबीन से आपका नसबंदी हुआ है तो वहाँ पे आपका 1 से 2 सेंटीमीटर का चीरा लगा हुआ होता है और उस पर केवल 1-2 टांके ही आते हैं, तो वो काफ़ी जल्दी सही हो जाते हैं, 1 हफ्ता मान के चलिए। और उसके बाद जब वो सही हो जाएं और जो महिला है वो कंफर्टेबल है, कोई पेन नहीं है, पूरी तरीके से कंफर्टेबल है, कोई पेन नहीं है, वीकनेस नहीं है, तो उस केस में आप संबंध बना सकते हैं। याद रखिए कि आप जिस एरिया में आपका टांका लगा हुआ है वहाँ पे दबाव ना पड़े किसी चीज़ का भी, वैसे तो इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, फिर भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए तो इससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप संबंध बना सकते हैं 1 हफ्ते बाद, जब आपकी पार्टनर अच्छे से कंफर्टेबल है तो। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा और भी हमारे 2 चैनल हैं, हेमा मेहरा और मॉमीज़ हेल्प, उनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उनको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ हम लेके आते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी आप अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।